देश के किसानों पर उस समय 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज से 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चल रही थी, 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 6 लाख करोड़ में से कर्ज माफी के नाम पर चुनाव लड़ा, किसानों के वोट बटोर लिए, किसानों की आंख में धूल चौंक दी, सत्ता पे बैठ गए। आने के बाद किया क्या? आप चौंक जाएंगे भैया, 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ किया सिर्फ 52,000 करोड़ रुपए। बातें की 6 लाख करोड़ कर्ज माफ करने की, धोखा किया किसानों के साथ, और किए सिर्फ 52,000 करोड़। और जब सीएजी ने जांच की तो उसमें भी 30-35 लाख लोग ऐसे मिले जो कर्ज माफी के हकदार ही नहीं थे। अब आप मुझे बताइए, ये 30-35 लाख वो कौन लोग थे, वो कौन सा पंजा था जो खजाना खाली कर गया? वो रुपये कहां गए, ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि देश के नामदारों का दागदार ट्रैक रिकॉर्ड जनता भलीभांति जानती है। देश ये भी जानता है कि जिनकी तब कर्ज माफी हुई वो भी फिर से कर्जदार बन गए, कर्ज में डूब गए। अब जब 10 वर्ष पूरे हो गए तो फिर कर्ज माफी का शोर कांग्रेस ने मचाना शुरू कर दिया। चुनाव आते हैं और उनको कर्ज माफी का बुखार आता है, क्योंकि ये ऐसी जड़ी बूटी उनके पास थी कि भले भोले किसानों की आंख में धूल झोंक करके चुनाव निकाल दो, बाद में उनको छोड़ दो।